हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी मोशनल ईएमएफ और यू कैन से मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो हियर इन दिस कांसेप्ट यू कैन सी दैट वन रेक्टेंगुलर रॉड पी क्यू आर एस, ओके, इन विच अ पी क्यू इज फ्री टू मूव फॉर्म्स वन क्लोज्ड सर्किट, फॉर्म्स वन व्हाट, क्लोज्ड लूप और यू कैन से क्लोज्ड सर्किट, ओके, इज प्लेस्ड इन व्हाट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके, हियर द प्लेन ऑफ दिस पी क्यू आर एस लूप, ओके, इज परपेंडिकुलर टू व्हाट दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज यू कैन से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इन टू दिस प्लेन, ओके, सो हियर वी कैन से प्लेन ऑफ दिस लूप पी क्यू आर एस इज परपेंडिकुलर टू व्हाट मैग्नेटिक फील्ड, हियर अ रॉड पी क्यू is moves with a velocity v towards what, left, okay, as the rod PQ is moving with velocity v towards left, so here we can say area enclosed by this loop PQRS is continuously changes, इसके साथ जो PQRS loop के साथ जो उसका area है वो continuously क्या होगा, change होगा, अब उसका एरिया चेंज होगा तो आप देख सकते हो कि पी क्यू आर एस लूप के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा, एंड वी नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज व्हाट इंड्यूस्ड ईएमएफ, इट गिव्स व्हाट इंड्यूस्ड ईएमएफ, ओके, सो हियर इफ हियर द लेंथ आर क्यू इज इक्वल टू एक्स एंड एस आर इज इक्वल टू एल, देन वी कैन से एरिया ऑफ लूप is equal to what, L into X, okay, so here flux link with this loop we can say is equal to B into A and that is B into area kitna hai aapka, L into X, okay, so here aap dekh sakte ho ki jaise ye V चेंज होगा यानी कि वो x क्या कर रहा होगा आपका, वेरी कर रहा होगा, लेकिन लेंथ l क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब जैसे ये इस तरह मूव कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो एज इट इज है, सो हियर वी कैन से दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद टाइम, ओके, फ्लक्स चेंज हो रहा है क्योंकि क्या हो रहा है, ये एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है, चलो तो अब निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विद द हेल्प ऑफ व्हाट, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या होता है, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, सो यू कैन से माइनस डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स, चलो यहाँ पर देखो फ्लक्स हमने फाइंड आउट किया है, फ्लक्स फाई कितना है, बी एल एक्स, बी एल एक्स, ठीक है, अब चलो यहाँ पे देखो मैं बी कॉन्स्टेंट है, एल क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो क्या बना माइनस बी एल डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, चलो तो ये क्या हो गया बी वी एल, बिकॉज हियर आई कैन से डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, स्पीड होता है, तो डी एक्स बाई डी टी की जगह कर दिया स्पीड, सर नेगेटिव साइन कहाँ पे गया, बिकॉज हियर आई कैन से v is equal to what, minus dx by dt, because here you can see that आपका dx होगा वो कैसा होगा, negative होगा, ठीक है, आपका change अगर dx गिनेंगे तो वो आपका always क्या होगा, negative होगा, ठीक है, so dx itself क्या है, negative है, तो ये आप देखो negative negative क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा, positive हो जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या होगा b v l, so here मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू व्हाट बी वी एल, वेयर बी इज मैग्नेटिक फील्ड, वी इज द वेलोसिटी और यू कैन से स्पीड फॉर यूनिडायरेक्शनल मोशन, एल एल इज व्हाट, एल इज दिस लेंथ ऑफ द रॉड पी क्यू, ऑलवेज यू कैन से पी क्यू रॉड की जो लेंथ होगी वो इसकी इक्विवेलेंट ही होगी, ठीक है, ये यहाँ पे आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, मतलब ये पी क्यू रॉड जो है उसकी लेंथ हम लोग एल जितनी ही लेंगे, ठीक है, तो वी वेलोसिटी है और एल क्या है, लेंथ ऑफ रॉड पी क्यू,
ओके सो हियर दिस ईएमएफ इज आल्सो नोन एज अ मोशनल ईएमएफ व्हाई इट इज नोन एज अ मोशनल ईएमएफ बिकॉज इट प्रोड्यूसेस व्हाट ड्यू टू द मोशन ऑफ कंडक्टर ड्यू टू द मोशन ऑफ कंडक्टर एंड दैट मोशन ऑफ कंडक्टर चेंजेस द फ्लक्स लिंक विद दिस लूप एंड ड्यू टू दैट चेंज ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड सो हियर इट इज नोन एज अ व्हाट मोशनल ईएमएफ Hello students, now let's see motional EMF with the help of what Lorentz force. So here you can see that one rod PQ, okay, is most perpendicular to the uniform magnetic field. Here you can see that direction of magnetic field is what inside this plane and this rod PQ is moving towards what left. So here I can say motion of rod PQ or you can say velocity of rod PQ is perpendicular to what magnetic field. So here if I am considering any charge Q, okay, so here we can say with motion of rod PQ the charge Q is also moving towards left, okay. And we know that whenever any charge is moving perpendicular to magnetic field, Lorentz force F will act on it. Okay. So here magnitude of that Lorentz force F is equal to क्या होगा? QVB होगा, ठीक है? और ये Lorentz force की direction कौन सी होगी? चलो ये देख लेते हैं, ठीक है? तो ये Lorentz force की direction find out करनी है, तो Fleming's left hand rule से हम लोग find out कर सकते हैं। ये आपका force होता है, ये magnetic field. और ये क्या होता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर की तरफ जा रहे, वेलोसिटी जो है आपका इस डायरेक्शन में, ठीक है. तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन ये पॉजिटिव चार्ज की, यहाँ पे जो हमने कंसीडर कहा किया है उसके ऊपर ये चार्ज की चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है. तो मतलब ये पॉजिटिव चार्ज ये रोड में देखो पी क्यू रोड में इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होंगे, ठीक है. तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर फोर्स कहाँ पे लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है. तो फोर्स का अगर डायरेक्शन निकाले, ठीक है, तो वो एफ कितना है क्यूवीबी, और फोर्स का डायरेक्शन ये वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसको वाई डायरेक्शन ले लेते हैं, नेगेटिव वाई डायरेक्शन. तो ये आपका फोर्स का डायरेक्शन बनता है माइनस जे कैप, ठीक है. तो अगर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर कहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा. मतलब ये रॉड में आप देखो ये चार्ज के ऊपर फोर्स एफ कितना लगा, क्यूवीबी जितना लगा, ठीक है. मतलब ये चार्ज यहाँ पे मूव होगा, मतलब ये रॉड में जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो इस तरफ मूव होंगे, और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, आप देखो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर फोर्स कहाँ पे लगेगा, अपवर्ड लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स होगा एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी, और इलेक्ट्रॉन है तो क्यू की जगह पे ई ले लेता हूँ, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है तो आप देखो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, माइनस ई वी वी, ठीक है. चलो मतलब वो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टू पॉजिटिव चार्ज होगी, तो आपके नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे डिपोजिट होंगे, यहाँ पे टूवर्ड्स एन पी, उसके ऊपर फोर्स कहाँ पे लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है. चलो so here we can say as the rod is moving perpendicular to magnetic field with a velocity towards left, so charges inside, free charges inside this rod is also moving towards left with a velocity v. So as these charges are moving perpendicular to magnetic field, so it will experience a force, they will experience a force, and according to this equation you can say that force on positive charge q is in what negative y direction, so positive charges will gets deposited at end q and same amount of negative charge will deposited at end p, okay. So here you can see that electric field is developed, okay. Electric field aap dekho develop ho gaya hai, theek hai. Yahan pe positive charge hoga, yahan pe negative charge hoga, matlab p aur q end ke beech mein ab potential difference bhi kya hoga, theek hai. तो ये रॉड पी क्यू आप देखो, इट नाउ बिहेव्स एज व्हाट बैटरी, इट नाउ बिहेव्स एज व्हाट बैटरी हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू एंड. तो ये
फोर्स है, ठीक है। तो चलो फोर्स हमारे पास है, ये ईएमएफ कितना है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो वर्क डन ओके पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, ईएमएफ ई होता है, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, ईएमएफ ई। अब यहाँ पे वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये देखो रॉड पी क्यू की लेंथ एल है, तो यहाँ से कोई चार्ज डिस्प्लेस कर रहा है, एल लेंथ जितना डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट एल है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है एफ है, तो उसका वर्क डन का इक्वेशन क्या होता है, एफ इंटू एल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एफ का इक्वेशन है कितना है, क्यू वी बी, ये एल डिवाइड बाई क्यू एज इट इज, और ये ई एम एफ ई। अब देखो ये क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ई एम एफ का इक्वेशन कितना मिला, ई इज इक्वल टू बी वी एल जो हमने आगे ऑलरेडी डिराइव किया था। तो ये मिला आपको मोशनल ईएमएफ विद द हेल्प ऑफ व्हाट, लॉरेंट्ज फोर्स। सो हियर वी कैन से दिस रॉड पी क्यू बिहेव्स एज व्हाट, बैटरी ऑफ ईएमएफ ई इज इक्वल टू बी वी एल। ओके हियर यू कैन सी दैट पॉजिटिव चार्ज इज डिपॉजिटेड एट एंड क्यू एंड नेगेटिव चार्ज इज डिपॉजिटेड एट अपर एंड। ओके नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एंड पी पे डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक बैटरी बन गया जिसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ईएमएफ जो है वो डेवलप हुआ है ई इक्वल टू डी वी एल जितना, ठीक है। अब हमें पता है कि जो लॉरेंट्ज फोर्स, जब कोई चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा है, तो टोटल फोर्स होता है एफ एम प्लस एफ ई। FM हमने देखा था क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी होता है, और ये वाला क्या होता है, क्यू ई होता है, ठीक है। ये क्या होता है, क्यू ई। चलो तो यहाँ पे बात करते हैं कि जब कंडक्टर स्टेशनरी है, सपोज ये कंडक्टर क्या है, स्टेशनरी है, ठीक है, ये कंडक्टर वैरी नहीं हो रहा, तब क्या EMF प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, तो वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो जब रॉड मूव नहीं कर रहा है, जब रॉड स्टेशनरी होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि व्हेन रॉड इज स्टेशनरी, और यू कैन से कंडक्टर PQ इज स्टेशनरी, ओके इट्स वेलोसिटी इज व्हाट, जीरो, उसका वेलोसिटी जीरो होगा। तो अब जो फोर्स लगेगा, आप देखो यहाँ पे जीरो, देख पूरा आइटम जीरो हो जाए, तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया, कहाँ से आया इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया, तो हम लोग बोलेंगे कि रॉड है वो स्टेशनरी है, वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, रॉड मूव नहीं कर रहा है, फिर भी यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा कितना, बी बी एल जितना ही होगा, फोर्स जो लगेगा चार्जेस के ऊपर वो क्यू और ई जितने होंगे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगा, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने यूनिफॉर्म लिया था, ऑब्वियसली वो फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। हम लोग फील्ड कैसा ले रहे हैं, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा, ठीक है, वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्जेस जो इसके इनसाइड है उसके ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव होंगे, नेगेटिव चार्ज है अपोजिट टू फील्ड मूव होंगे, तो वापस ये ऐसे देखो आप क्या हो जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होंगे, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होंगे, ठीक है। एंड इट बिहेव्स एज अ व्हाट, बैटरी ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू बी वी एल, एंड इन दैट केस फोर्स जो होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है। सो हियर वी कैन से वी कैन ऑल्सो इंड्यूस ईएमएफ, और यू कैन से मोशनल ईएमएफ व्हेन द रोड इज स्टेशनरी, बट द कंडीशन इज दैट मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी व्हाट, टाइम वेरिंग इट्स प्रोड्यूसेस व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन चार्जेस व्हिच इज इनसाइड द रॉड। सो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से यहाँ पे आएंगे, नेगेटिव यहाँ पे आएंगे, और ये E इक्वल टू बी वी एल जितने ईएमएफ यहाँ पे, इतना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डेवलप होगा, ठीक है।